डीपीआरओ ने किसी पार्टी से प्रेरित होकर पोर्टल पत्रकारों को विधानसभा चुनाव कवरेज का मौका नहीं दिया जा रहा है, छुपाई जा रही है सच्चाई। जी हाँ, गया आगामी 28 अक्टूबर को विधानसभा के प्रथम चरण में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें गया जिला के डीपीआरओ द्वारा प्राधिकरण पत्र बनाने के मामलों में पोर्टल पत्रकारों के साथ सौतेलेपन व्यवहार किया जा रहा है। पोर्टल पत्रकारों ने बताया कि कई पत्रकारों को बनाया गया है जिनका लोकल चैनल है और पोर्टल भी चलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं बनाया गया है। यह कहां का इंसाफ है? इस संदर्भ में जब पोर्टल पत्रकारों ने गया के डीपीआरओ शंभुनाथ झा से बात की तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिला बना दिए हैं तो क्या हम क्यों बनाएंगे और जिला से क्या मतलब है, हम बता दिए कि नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। इस तरह के सौतेलेपन व्यवहार से पत्रकारों में शोक व्याप्त और इससे जाहिर होता है कि आखिर किस विशेष पार्टी से प्रेरित होकर पोर्टल पत्रकारों को विधानसभा चुनाव कवरेज का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है, यह अपने आप में एक सवालिया निशान है। इसकी सूचना पत्रकार सम्मेलन में जिला अधिकारी श्री अभिषेक कुमार सिंह को दिया गया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह मामला डीपीआरओ का है, आप उनसे समझ लीजिए। इसी पर पत्रकारों का कहना है कि ऐसी कौन सी बात है जो पोर्टल से सच्चाई छुपाई जा रही है, आखिर क्या कारण है लोकल चैनल को प्राधिकरण पत्र नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों? बिहार इंचार्ज रंजीत मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्या जा रहा है? और वो भी अखबार है, पोर्टल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? 5 साल आपका कवर करते हैं हम, और इस बार चुनाव में हम लोग अनदेखा क्यों किया जा रहा है? सर, पोर्टल में किसी का नहीं बना है। नहीं, कैसे बना है? बीबीसीएन का बना हुआ है, गया लाइव का बना हुआ है, सीएनटीवी का बना हुआ है, तो हम लोग कहाँ से? हम लोग लोकल हैं, हम लोग भी तो लोकल हैं सर। अच्छा, मैं खुद दैनिक अखबार हूँ, मैं खुद दैनिक अखबार हूँ, बिहार ऑब्जर्वर, कई सारी कॉपी से करके बनवाए थे। सर, ऐसा क्यों सौतेलापन किया जा रहा है? हम लोग सौतेलापन नहीं किया जा रहा है। और इसको क्या बोलते हैं सर? एक मिनट सर, बात सुनिए।